सो फाइनली अभी पिज़्ज़ा रेडी होना स्टार्ट हो गया लोगों तैयारी के लिए, मतलब दो लोग आने वाले हैं उन लोगों के लिए। ये शर्ट है और ये जीन्स है। मेरे को आई डोंट वांट टू बिलीव, इवन मैंने इनको बोला है कि बिना रोए जाना आप, वो नहीं हो सकता, बट ऐसा होगा है ना कहा कह रही यहाँ, मतलब पहले से माइंड मेकअप है कि ना आई विल बी बीप एंड देन आई विल बी गो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मतलब ये आर्यन की तरफ से था, मेरे तरफ से कुछ भी नहीं था। और इधर जिज्जी और आर्यन ने सीटेड टुगेदर, मतलब पढ़ाई के नाम पे आंखों में धूल झोंकना आर्यन से सीखो भाई। हाँ तो सबके सामने थोड़ी झोंकेंगे, झोंकना होगा तो। हाँ ठीक है, मतलब धूल तो सभी के सामने झोंकेगा ना आंखों में, वरना कैसे पढ़ेगा। जिज्जी की तबीयत नहीं ठीक है, देखा आप लोग को पता है, कल से ही तबीयत नहीं ठीक है, बट अभी वो रिकवर कर रही है अच्छे से। और मतलब नया दी घर पे आई तो उनको उनका पुराना काम मिल गया, तो चीज़ कब मतलब बोल रही कल जाता है तो कपड़े वपड़े प्रेस करके जाएंगे। वाह, इट्स टू गुड फॉर अस। हाँ पुरानी याद ताज़ा करेगी, कैसे कैसे मतलब बटन अप करना है, देन कैसे पैंट करना है, मतलब नहीं मैं तो कल भी किया था, ऐसा ही नहीं है अब गर्लफ्रेंड के शिकार सब। कल ही तो ताज़ा किए थे ना, आज से ताज़ा कर रहे हैं तो बासी हो गया ना, क्या बताए भाई, बासी हो गया अभी तो। वैसे भाई कैमरे में ब्लॉगिंग अच्छा आ रहा है यार, ऐसे कैमरा हम भी खरीद लेते हैं, मतलब ऐसे मोबाइल खेले। सॉरी यार, मोबाइल वैसे ही मेरे पास नहीं है, नो ऑलमोस्ट करीब 2015-16 का मोबाइल है, तो अब इसमें कुछ नहीं होता है। और आर्यन के पास भी ऐसा खराब है, लाइट चली गई, लाइट जाने के बाद भी थोड़ा ठीक ठाक ही आ रहा है, बट एक लाइट चलेगी, अभी लाइट चली गई। तो अभी अपन लोग आज का प्लान थोड़ा डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस कि मैं ऑफिस नहीं जाने वाला हूँ, पापा को छोड़ के घर से वापस, मतलब ऑफिस से आ जाऊँगा, और देन अपन लोग बनाने वाले हैं पिज़्ज़ा। अरे कुछ भी यार देन अपन लोग बनाने वाले पिज़्ज़ा। हाँ चीज़ पिज़्ज़ा आज बना लेंगे, और देखते हैं कुछ और भी लेके आते हैं, क्या क्या चीज़ें मिलती है मार्केट से परचेज करके लाएंगे, कई चीज़ें नहीं हमारे पास वो लाना पड़ेगा, तो अभी इसलिए मार्केट जा रहे हैं चीज़ें परचेज करने, देन बनाएंगे आज पिज़्ज़ा जो घर पे। सो फाइनली गाइज आई टोल्ड यू ना कि आज पिज़्ज़ा बनेगा, तो दैट्स ऑल अरेंजमेंट हो गया। और मैंने इधर दो लगा भी दिया है, बस ओवन मेरा रेडी है, 1 मिनट 5 मिनट का वो एक्स्ट्रा हो चुका है, अब बस उसको लगा के अपन लोग रखने वाले हैं। तो लेट्स सी, अभी देखते हैं क्या होता है। सो फाइनली अभी पिज़्ज़ा रेडी होना स्टार्ट हो गया, और 15 मिनट्स हमने उसको लगाया है, तो फिर हम देखते हैं कि ऐसा क्या बनता है। तब तक के लिए टाइम लैप्स लगाते लेकआउट करते कि हाँ क्या मॉडिफाइज हो रहा है, क्या चेकआउट करते गाइस। ओके वेलकम अगेन गाइस। पिज़्ज़ा हमारा क्या बना, मतलब ऑलमोस्ट बन गया था, ऐसा ही नहीं है, बट खाने का एक्साइटमेंट गाइस इतना ज़्यादा ना कि वीडियो शूट नहीं करना भूल गया मैं, जरा खा लिया। हाँ मतलब इवन फर्स्ट जो पिज़्ज़ा बनाया ना वो जल गया था, बिकॉज उसमें मैंने बेक टाइम लगाया 15 मिनट। अब मैं कुछ जलने की बू आ रही है, देन आई फाइंड दैट कि वही जला था, निकाला तो पूरा एकदम लग चुकी थी उसको, निकाल देना 5 मिनट पहले। हाँ मैंने 5 मिनट पहले ऑलरेडी ओवन बंद करके गाँव निकाल लिया, वरना अदरवाइज तो फिर बर्न नहीं होता, प्रॉपर बर्न होता, लगता है ओवन सहित बर्न होता। एक्सपीरियंस थोड़ा मतलब मैंने लिया तो फर्स्ट नहीं बना मेरा सही से, बट ऐसा नहीं उसके बाद बना है तो प्रॉपर बन रहे थे। कुछ चीज़ों की कमी थी, साल्ट वाल्ट की कमी थी, आई वाज जस्ट मिसिंग समथिंग, पता नहीं क्या क्या था वो बाद में देखेंगे। बट खाने का एक्साइटमेंट इतना था कि मैंने ब्लॉग भी नहीं किया कि हाँ मेरा पिज़्ज़ा ऐसा बना है, कुछ ऐसा दिख रहा है, ब्ला ब्ला, आई डिडंट डू एनीथिंग। हाँ पहले वाले के बाद बेटर होता है, हाँ पहले के बाद बेटर होता गया, तो और सही बन गया था। और अभी तो बिकॉज कल नैना जी को जाना है, कल सीयू टाइम है, इसीलिए मैं ऑफिस से छुट्टी आ लिया हूँ, कल नहीं रहूँगा, घर पे रहूँगा तो रोना रोए फर्जी का, बिना रोए तो जाएगी नहीं लोग तो इसीलिए मैं ऑफिस चला जाऊँगा, बिकॉज मेरे को आई डोंट वांट टू बिलीव। इवन मैंने इनको बोला है कि बिना रोए जाना आप, वो नहीं हो सकता, बट ऐसा होगा है ना कहा कह रही हाँ, मतलब पहले से माइंड मेकअप है कि ना आई विल बी बीप एंड देन आई विल बी गो, पता लगा ऐसा ही लोग बीमार जाते हैं, फायदा क्या है ऐसे भी रोने का यार। तो इसीलिए मैं उनको बोल रहा हूँ लेट्स सी यार, अब मैं जा रही हूँ। हाँ फेस्टिवल में लोग आते हैं, अब मैं जा रही हूँ। हाँ फेस्टिवल में लोग आते हैं जा रही है, ऐसा नहीं है होली से पहले लाने जाएंगे सब, कहानी बता रही है, आप लोग इस पे ध्यान ना दें। हाँ ऑलमोस्ट 1 वीक आज 22-23 है ना, 23 है ना, हाँ बस एक वीक के लिए, ऑलमोस्ट एक वीक भी नहीं, बिकॉज 28 का महीना है तो ऑलमोस्ट एक वीक के अंदर, एक वीक के लिए जा रही है, उसके बाद अपन लेके आएंगे। मतलब फालतू का पैसा एक्सपेंडिचर हो रहा है, फालतू का खर्चा चीजें हो रही है और कुछ नहीं है, बस काफी कुछ बनाई है। देखो इधर ये सब बॉक्स रखे ना, सब में कुछ ना कुछ स्वीट्स है और ब्ला ब्ला चीजें बनाई गई है और मंगवाई भी गई है, वो सब है, वो सब जाता है, हमारे रिचुअल होता है, वो सब जाएगा लेने, फिर ये सब भी है बहुत ज्यादा। और अभी और मिठाइयाँ भी तो लेने जा रहा हूँ मैं, और जो लोग आएंगे उनको कपड़े उपड़े देने होते तो वो सब भी जा रहा हूँ परचेस करना, मजाक है, तो वो सब लेने जा रहे हैं, तो इसीलिए अभी चलते हैं, परचेजिंग करते हैं और लेके आते हैं। जीजू आएंगे और समबड़ी बी कम, सो उन दोनों के लिए कपड़े लेके आते हैं। सो गाइस ये कपड़ा लेके आए, अभी छवि निकाल रही है, ये जीजू को देने के लिए, मतलब दो लोग आने वाले हैं उन लोगों के लिए। ये शर्ट है और ये जीन्स है, ये दोनों एक का जीन्स है और एक का शर्ट अलग है। उसके शर्ट थोड़ा स्पोर्ट लुक में, सेकेंड जो शर्ट है ना थोड़ा स्पोर्ट लुक में है, ये दिस वन, ये थोड़ा स्पोर्ट लुक में, ये सी ऐसे करके। और मेरा लोवर है, मैंने एक लोवर भी लिया अपने लिए, और ये टी शर्ट एक, ये टी शर्ट है। छपी देखो इधर। सो गाइस फाइनली अभी हम लोग का खाना जस्ट अभी हुआ है, और तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं, दवा लेके आया, जस्ट आई हैड ऑल्सो, इसलिए चेहरा पूरा डल डल फील कर रहा है, पूरी बॉडी बहुत वीक फील कर रही, तो दैट्स व्हाई वी आई एम जस्ट गोइंग टू स्लीप। कल भी तबीयत खराब थी, आज भी है, मैं भी शायद डॉक्टर दिखाना पड़े, लेट्स सी, एपिसोड हो जाता है वायरल है, इसलिए आई एम जस्ट वेटिंग फॉर 3 days। सो इसलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, होप सो आपको वीडियो पसंद, चैनल बनाया हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आई नीड योर सपोर्ट, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू, टाटा। इधर छपी का बाय।